चलो लिखो बेटा, सीए फाउंडेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंट्स, दिस साइड सीएसीएस हरीश मदारिया। हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वन ऑफ द वंडरफुल टॉपिक। हर एग्जाम में इसके ऊपर मिनिमम 6 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं, बराबर है क्या? थ्योरी टॉपिक है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, बट थ्योरी भी हम लोग इसके अंदर में देखेंगे। पहला लेक्चर है बीआरएस का, सीए फाउंडेशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है ना, फाउंडेशन लेवल। टॉपिक का नाम है बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत इजी टॉपिक है, कंडीशन एक ही चाहिए टॉपिक के। हर टॉपिक एक अलग अलग फ्रूट है ना, हर एक का अलग अलग एक टेस्ट है, और हम लोगों को इंस्टीट्यूट ने फ्रूट सैलेड दिया है। 10 टॉपिक का अलग अलग फ्रूट है ना सब, तो इस टॉपिक की एक ही कंडीशन है, वो जो आपको फॉलो करना होगा तो आपको टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब तक आपने जो भी बीआरएस के बारे में पढ़ा है वो थोड़े समय के लिए साइड में रखना, जो मैं बता रहा हूं पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ सुनना। रेक्टिफिकेशन समझ में आया ना? रेक्टिफिकेशन में क्या था, जो गलत हो उसको रिवर्स करो, जो करना था भी कर दो। सिंगल साइड एरर है, सस्पेंस आएगा, नहीं तो सस्पेंस नहीं आएगा। ट्रायल बैलेंस के बाद सस्पेंस आएगा, फाइनल अकाउंट के बाद सस्पेंस आएगा, ट्रायल बैलेंस के पहले सस्पेंस नहीं आएगा, वहां पर सिर्फ सेंटेंस आएगा, खत्म। और कुछ था, रेक्टिफिकेशन फायदा हुआ ना? और डोंट वरी, रेक्टिफिकेशन हम लोग आगे रिवाइज भी करेंगे, सारे टॉपिक हम लोग रिवाइज भी करेंगे ना बीच बीच में। जब कभी भी आपको ऐसा लगेगा कि सर कोई टॉपिक छोड़ के जा रहा है, तो हम लोग उसको पकड़ के लेके आएंगे, आपके पास वापस बिठाएंगे। सो चिंता मत करना, आ जाओ। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाला टॉपिक में स्टार्ट करो मुन्ना, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, अच्छे से ध्यान देना है सभी ने। चलो स्टार्ट कर रहा हूं। सो बेसिकली इट इज अ स्टेटमेंट। अच्छा सर, क्या बात बोली आपने, ये तो हमें मालूम है। हाँ, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, नॉट अ पार्ट ऑफ लेजर, नॉट अ पार्ट ऑफ कैश बुक, नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नो नो नो, ये किसी का पार्ट नहीं है, ये एक मेमोरांडा स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है? मेमोरांडा स्टेटमेंट या मेमोरेंडम स्टेटमेंट, जो बोलना है बोल दो। सो ये एक स्टेटमेंट है। सर क्यों बना रहे हैं स्टेटमेंट? ये हमें मदद करता है। किस चीज में मदद करता है बताता हूं। सो प्लीज ध्यान देना, आप सभी ने आज नहीं तो कल है ना, या आगे आने वाले फ्यूचर में कभी बैंक अकाउंट ऑपरेट किया होगा ना, आपका, आपके मॉम डैड का, किसी का भी है ना। प्लीज ध्यान दे दो, ये आप आपके बुक्स में मुन्ना, प्लीज ध्यान देना, ये आप हो, ये आपने आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक में कैश डिपॉजिट किया 1000 रुपए। कितने रुपए डिपॉजिट किए? 1000 रुपए। और ये वो बैंक है जिसमें आपने पैसे डिपॉजिट किए थे, HDFC, और बैंक ने उसके बुक में लिखा बैंक के पास कैश आई क्या? कैश आई तो बैंक क्या बोलेगी? कैश अकाउंट डेबिट किसने दिया? आपने, टू पार्टी अकाउंट, है ना? ओके, कोई टेंशन नहीं, बनाओ ना बेटा। चल लिख, ये आपके बुक में बैंक का अकाउंट। बोलो क्या रहेगा इसका पोस्टिंग? बैंक के डेबिट में टू कैश 1000। बेटा हर एक बच्चे ने लिखना है, प्लीज है ना, लिखो। 6 नंबर श्योर शॉट है, चाह के भी आप 6 नंबर में से एक भी नंबर कम नहीं कर पाओगे आपका। ध्यान देना, ये टॉपिक समझ में आए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, ऐसी वाली बात है। ये टॉपिक के अंदर बच्चे लर्न करते हैं एडलेस वाली चीजें, गलत है टोटली, नहीं करना चाहिए, बराबर है? आपके बुक्स में आपने क्या लिखा? ये पार्टी का बुक्स ऑफ अकाउंट है, ये बैंक का। बैंक वाले उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में आपका अकाउंट बनाएंगे क्या? कस्टमर और पार्टी अकाउंट, कस्टमर अकाउंट, पार्टी अकाउंट। बैंक क्या बोलेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी, पार्टी के क्रेडिट में बाय कैश 1000, राइट? कुछ था इसमें,
सिंपल है ना, बैंक वाले उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करेंगे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करोगे, सही है कि नहीं? बैंक वाला उनका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। चलो आगे, चलो बताओ तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक का कितना बैलेंस है, फटाफट से बता दे, निकालो बैलेंसिंग फिगर। डेबिट साइड की टोटल 1000, क्रेडिट साइड की 0, कुछ नहीं है, बैलेंस आ गया। इस बैलेंस का नाम क्या है? डेबिट बैलेंस। बराबर है क्या? इसका नाम क्या है? डेबिट बैलेंस। बैंक वालों के हिसाब से बैलेंस निकालो, अगेन कितना आया? 1000। क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा थी, तो इसका नाम क्या है? क्रेडिट बैलेंस। 1000 आपका डेबिट बैलेंस आया, 1000। बराबर है क्या? आपके हिसाब से बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, मतलब हे बैंक सुन, तू मेरी डेटर है, मुझे तुझसे पैसे लेना है। जब भी किसी पार्टी या पर्सन का डेबिट बैलेंस है, मतलब वो अपना डेटर बन गया ना। ऑल ऐसे ड्रॉइंग डेटर्स 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 आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। बैंक का डेबिट बैलेंस है, मतलब मुझे बैंक से पैसे लेना है और मैं कभी भी जाके उससे पैसे ले सकता हूं, एटीएम के थ्रू विड्रॉ करके, कैसे भी। यस और नो? सही है मुन्ना, प्लीज ध्यान दे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बीआरएस में आपने अब तक जो पढ़ा है प्लीज उसको भूल जाना। मुझे यहाँ पे ऐसा आपके चेहरे देख करके लग रहा है आप पुरानी चीजों को रिलेट कर रहे हो जो पढ़ा हुआ है। प्लीज रिलेट मत करो, ये टॉपिक बहुत ही डेलिकेट है, प्यारा टॉपिक है, बस एक ही कंडीशन है जो मैं बता रहा हूं उस पर कॉन्सेंट्रेट करना, पुराना थोड़े समय के लिए याद मत करना। कुछ बच्चे ऐसे करे, हाँ मत याद कर, कोरा कागज है तू, अभी तुझे बीआरएस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, ऐसा सोचो प्लीज। नहीं तो जो बच्चों ने पहले आधा अधूरा बीआरएस ट्राई किया हुआ, एड लिस्ट में सब लफड़ा हो जाता है, कब ऐड करना है कब लिस्ट करना है नहीं समझ में आता है, कब एडजस्टेड कैश बुक बनाना है नहीं समझ में आता है, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने थोड़ा बहुत पहले बीआरएस पढ़ा हुआ है। तो प्लीज ध्यान देना, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, बिल्कुल ऐसे सरप्राइज होना, अच्छा क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा, ओहो हाँ ऐसा ऐसा कैसे करोगे, समझ आए सभी को? जैसे फर्स्ट टाइम आपको कोई चीज पता ली, जैसे आपको काफी बार कोई चीज पता होती बट फिर भी किसी को आप जबरदस्ती प्रिटेंड करते हो ना, जैसे आपको पता ही नहीं था, बस वैसा करना है, कैसे करोगे? ओ बाप रे बाप, हाँ सर समझ, ऐसा तो जल्दी समझ में आएगा, है ना। इसीलिए देखो छोटे बच्चे जल्दी सीखते हैं, और किसी 50 साल के इंसान को सिखाना है तो वो बहुत टफ है। यस और नो? चलो ध्यान देना। सो यहां पे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से बैंक वालों का कितना बैलेंस है? 1000 डेबिट बैलेंस, और बैंक वालों के बुक्स ऑफ अकाउंट से हिसाब से आपका कितना बैलेंस है? 1000 क्रेडिट बैलेंस। सो बैंक वालों के लिए आप क्रेडिटर हो, देखो आपका क्रेडिट बैलेंस है, बैंक आपको देगी और आप बैंक से लोगे। यस और नो? ये टैली है क्या? यस, आप बोल रहे ए बैंक तुझसे 1000 रुपए लेना है, बैंक बोल रही हाँ भाई 1000 रुपए देना है, देख मेरे बुक्स में तेरा क्रेडिट बैलेंस है, तू मेरा क्रेडिटर है, टैली, कोई झगड़ा दोनों बीच में? बोलो यहां पे टैली है, देयरफॉर यहां पे नो नीड ऑफ बीआरएस। टैली है इसलिए बीआरएस की कोई जरूरत नहीं है। सब बीआरएस क्या होता है, पहले उसकी जरूरत तो समझो, जो चीज की जरूरत नहीं उसके बारे में समझ के कोई मतलब है क्या? जब जो चीज की जरूरत पड़ेगी तब हम लोग उस चीज के बारे में रिसर्च करेंगे, पूछेंगे कि कैसे करते, क्या है क्या नहीं है, अभी जरूरत है क्या तो जबरदस्ती उसमें सोचना नहीं ज्यादा, बीआरएस की जरूरत ही नहीं अभी, ध्यान देना। आगे बढ़ते, इमना प्लीज ध्यान दे, और ट्रांजेक्शन हुआ, ये देखो इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहा हूं, ये देखो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक वालों का अकाउंट और बैंक वालों के बुक्स में हमारा अकाउंट, आप भी ऐसी करोगे ठीक है, प्लीज ध्यान देना। क्या था पहली वाली एंट्री? टू कैश था ना, अकाउंट ओपन किया था, और बैंक वालों के इसमें क्रेडिट में बाय कैश, कोई तकलीफ थी इसमें? यहां तक सब सही था। अब क्या हुआ, मैंने अभी अभी एक पार्टी को माल बेचा 500 रुपीज का, कितने का? 500 का, और उसने चेक से पेमेंट किया, कैसे? चेक से। बोलो मैं एंट्री क्या करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश,
बैंक टू चेक, माल बेचा चेक आया, बैंक टू सेल, माल बेचा कैश आई रहती तो कैश टू सेल, माल बेचा गोल्ड आया गोल्ड टू सेल, माल बेचा हाथी आया हाथी टू सेल, माल बेचा चेक आया बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। सो बैंक के डेबिट में मैंने लिख दिया टू सेल्स अकाउंट 500, गुड सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड, सही लिखा ना मैंने? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो, आप बोलो बेटा, बोलो बोलो, नहीं समझा आपको, क्या बात कर रहे हो? गुड्स सोल्ड फॉर रुपीस 500 एंड चेक रिसीव्ड, बोल एंट्री बता तू क्या रहेगी, जो तेरे को बताए वो बता। रुको रुको, बैंक अकाउंट, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू, कैसे बोला रहे अभी? हाँ हाँ हाँ, चेक, चेक ही तो है ये, देख ना ये चेक। अच्छा ये बच्ची को बोलना है सर वहां पे चेक अकाउंट लिखो। अच्छा चेक अल्टीमेटली कहाँ जाता है, पोस्ट ऑफिस में कि बैंक में? कहाँ जाता है चेक, पोस्ट बॉक्स में या बैंक में? बैंक में जाएगा ना पक्का, तो लिखो बैंक, तू चेक लिखना, हम बैंक लिखते हैं, ठीक है? कन्वेंशन, प्रथा, चाली रीति, रूढ़ी परंपरा, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है? नाम में क्या पड़ा है, तो मुझे हरीश बोल, हरी बोल, हरिया बोल, हर्षा मत बोल, नेचर चेंज हो जाएगा। सो नेचर चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी नाम जो लिखना है लिखो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, बराबर? अल्टीमेटली बैंक में जाएगा ना, बैंक बैलेंस बढ़ेगा मेरा, तो मैंने लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा हो गया इसने बोला नहीं सर, फॉर अकाउंट बनाओ ना, सोल्ड अकाउंट बनाओ ना, एंड अकाउंट बनाओ ना, चेक अकाउंट बनाओ ना, रिसीव्ड अकाउंट बनाओ ना, ऐसा कुछ भी नहीं करना है बेटा। हा चलो आगे, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, बराबर ये मैंने लिख दिया, मुझे अभी चेक मिला। अब मुझे एक बात बताओ, वो जो चेक मुझे अभी मिला ये बैंक का बुक्स ऑफ अकाउंट है, मैं दौड़ के गया बैंक में एटीएम मशीन में, एटीएम डाला, पासवर्ड डाला और चेक किया, बोलो वो 500 का चेक मुझे यहाँ पे दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, टेलीपैथी है कि हमारे पास अभी चेक आ गया और उधर क्लियर हो जाएगा। सेम समय पे एटीएम में आपको बैलेंस दिखेगा क्या? वो नहीं दिखेगा। सेम समय पे आप बैंक में जाके बैंक स्टेटमेंट निकालोगे तो उस स्टेटमेंट के अंदर में वो चेक का इफेक्ट दिखेगा क्या? नहीं। मतलब आपने चेक रिसीव कर लिया बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, कौन सा डिफरेंस है? समय का। कौन सा? समय का, क्योंकि चेक क्लियर होने के लिए 2 से 3 दिन का समय लगता है, चाहे नरेंद्र मोदी का क्यों ना चेक हो, यस और नो? 2 से 3 दिन लगते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे किसकी गलती है? बैंक वालों की, हमारी, किसकी? समय की। तो इस डिफरेंस को कहते हैं समय, टाइमिंग डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसको? टाइमिंग डिफरेंस। तो यहां पे अब निकालो बैलेंस कितना आया, हम तो एंट्री कर लेंगे ना, कि हम क्लियर होने के बाद एंट्री करते हैं चेक रिसीव के समय, चेक रिसीव के समय हम क्लियर होने के बाद थोड़ी एंट्री करते बैठते, हम तो चेक मिला रे मिला तुरंत के तुरंत एंट्री पास कर देते बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। उसके बाद आगे वो डॉग बॉय जाएगा बैंक में, चेक डिपॉजिट करेगा, चेक क्लियर होगा, T+2 का साइकिल रहेगा और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट में आएगा, यानी हमारे एक्चुअल बैंक बैलेंस में आएगा। मतलब अभी एक्चुअल बैंक बैलेंस में 500 का इफेक्ट नहीं दिखेगा। बोलो तो बैलेंस यहाँ पे कितना है? 1000। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। हाँ बोल बेटा। हाँ बेटा, हाँ बेटा, जाने वाले को कोई रोक सकता है क्या? हाँ बोल। T+2 मतलब ये ट्रांजेक्शन डेट प्लस 2 डेज, डोंट वरी आपको नहीं है, ट्रांजेक्शन डेट प्लस 2 डेज, क्लियरिंग पीरियड। और यहां पे बैलेंस कितना आया? 1000। ओ हो, ये टैली नहीं है, देयरफोर अब हमें क्या समझना होगा? BRS। अब BRS हमें किस चीज में मदद करते हैं मालूम है? टैली करने में नहीं, BRS हमें
हमारे बुक्स में जो बैंक का अकाउंट है और बैंक वालों के बुक्स में जो हमारा अकाउंट है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है, उन डिफरेंसेस के पीछे की वजह जानने में हेल्प करता है। सो BRS हेल्प अस टू नो द कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एज पर बैंक अकाउंट इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एज पर बैंक बुक्स ऑफ अकाउंट। So, हमारे बुक्स के और बैंक वालों के बुक्स के हिसाब से जो अकाउंट बनाए उसके अंदर जो भी डिफरेंसेस डिफरेंसेस के पीछे की वजह जानने में हमें कौन मदद कर रहा है? BRS, कॉमन सेंस, यस और नो? अच्छा, अब एक चीज ध्यान देना, हमारे बुक्स में जो बैंक अकाउंट है, आज के बाद मैं इसे क्या बोलूंगा? कैश बुक का बैंक बैलेंस, बैंक कॉलम, कैश बुक का बैंक कॉलम। सर सीधा सीधा बैंक अकाउंट ही बोल दो ना, या फिर कैश बुक बोल दो सर, चलेगा। BRS टॉपिक में जब भी मैं बोलू कैश बुक तो समझ जाना कैश बुक का बैंक कॉलम। कैश बुक का बैंक कॉलम मतलब बैंक अकाउंट ना। कैश बुक ये ट्रिपल लेयर सैंडविच है सुप्रीम का। एक कैश अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट है और एक डिस्काउंट अकाउंट है। तीनों अकाउंट का सैंडविच यानी क्या? कैश बुक। तो तीन में से कौन सा अकाउंट है यहाँ पे? बैंक अकाउंट, यानी कैश बुक का बैंक कॉलम। छोड़ो, हमारे बुक्स में जो बैंक अकाउंट है BRS टॉपिक में, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? कैश बुक। कैश बुक मतलब इतना भी सीरियस मत हो जाना कि सर कैश है क्या। नो, कैश बुक का बैंक कॉलम। क्लियर? कैश बुक का बैंक कॉलम इतना लंबा चौड़ा बोलने से अच्छा शॉर्टकट, शॉर्ट नेम, बाबू सोना मिट्टू कैश बुक, यस और नो? कैश बुक बोला BRS टॉपिक में, जब भी बोला कैश बुक तो समझ जाना कैश बुक का बैंक कॉलम। और बैंक वाले जो आपका अकाउंट मेंटेन करते हैं उसको आप लोग क्या बोलते हो? प्लीज ध्यान देना, आप बैंक में जाते हो और बैंक में आप एक बुक लेके जाते हो और बोलते हो कि इसके ऊपर मुझे प्रिंट करके दे, तो बैंक वाले आपका अकाउंट ओपन करते हैं उनके सिस्टम में, वो आपका बुक मशीन में डालते हैं खट खट कंट्रोल पी और उस बुक के ऊपर प्रिंट करके दे देते हैं। सो पासबुक इज नथिंग बट अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर अकाउंट मेंटेन्ड बाय बैंक इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट। बैंक वालों के बुक्स में जो आपका अकाउंट है उसका प्रिंटेड कॉपी यानी पासबुक। बोलो 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 मेरे साथ बोलो, पासबुक इज द प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर अकाउंट मेंटेन्ड बाय बैंक इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट। सिंपल, 1+2=3, सो सिंपल, राइट? सो पासबुक यानी बैंक वालों के बुक में आपका अकाउंट, कैशबुक यानी आपके बुक में बैंक वालों का अकाउंट। बोलो एक बार फिर से, कैशबुक यानी आपके बुक में बैंक का अकाउंट। सर ऐसा नहीं, लिख के दो ना। अच्छा, बैंक वालों के बुक में आपका अकाउंट जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पासबुक। लिख लिया सभी ने? बरोबर है क्या? समझा ना? माथे पे शिकंज नहीं आनी चाहिए किसी के। सौगंध है आपको, आपके चाहने वालों की, डाउट रहा तो तब के तब पूछना है जो फेस टू फेस और ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे। आ रहा बेटा? अंजू, अंजू बोल रही, वॉइस क्लियर नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार, वॉइस तो मेरी तरफ से क्लियर है। हेलो हेलो, चेक कर दो बेटा एक बार, ठीक से नहीं आ रही। समझ पा रहे हो क्या? वॉइस समझ पा रहे हो? पर थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दोगे तो आप? हेलो हेलो, मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा फिल्टर में ना ये डेसिबल कम कर रहा हूं, चेक करो अभी। अब चेक करो, हेलो 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 हेलो, अभी आ रहा है? ओके डन। चलो आ जा मुन्ना, प्लीज ध्यान देना अब। हाँ ए, प्लीज ध्यान दो, बीच में मेंटली अपसेंट मत रहना, आ जाओ। सो कैशबुक यानी किसका अकाउंट? बैंक वालों का अकाउंट हमारे बुक में। पासबुक यानी हमारा अकाउंट बैंक वालों के बुक में। सर ऐसे नहीं, लिख के दो, लिखो। ये सारी चीजें लिखी ना पर आपने? नो नीड ऑफ BRS, नीड ऑफ BRS। So, आपको पता होना चाहिए आप कौन सा टॉपिक क्यों पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, ध्यान देना। सो लिखो बेसिक टर्म्स। पहला,
कैश बुक अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, क्या लिखा मैंने, यूओएसजी, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, अगर कुछ क्वेश्चन में अलग से नहीं दिया है तो। मुन्ना प्लीज है, जहां भी डाउट है पूछना। ए बेटा तेरा डाउट क्लियर हुआ ना, पक्का ना, कसम से बोल दे, कसम से, डाउट रहा तो पूछ लेना। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, अगर कुछ क्वेश्चन में अलग से नहीं दिया है तो हम लोग क्या बोलेंगे, कैश बुक इज बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश बुक मीन्स बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश बुक यानी कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम, यानी क्या मीन्स, ऐसा लिख लो, हमारे बुक्स में बैंक वालों का अकाउंट, ठीक है, या फिर बैंक अकाउंट इन आवा बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। कैश बुक कौन मेंटेन कर रहा है, हम लोग, बैंक हमारे घर में घुस के कैश बुक में एंट्री करती है क्या, कैश बुक में कौन एंट्री करता है, हम, कैश बुक मेंटेन्ड बाय, ये छोटी छोटी चीजें है बड़ी आपके आगे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी सारे, मेंटेन बाय कस्टमर ऑफ बैंक याने कौन, मींस अकाउंट होल्डर, ठीक है। आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, कैशबुक में एंट्री कौन करता है, हम, कैशबुक मेंटेन कौन करता है, हम, हमारे बुक्स में कैशबुक यानी हमारे बुक्स में बैंक का अकाउंट, बैंक कभी कैशबुक में एंट्री करेगी क्या, नो, हम कभी बैंक में घुस के पासबुक में एंट्री करेंगे क्या, नो, पासबुक में हर बार एंट्री कौन करेगा, बैंक। आगे लिखो पासबुक, फटाफट से लिखो, इज द प्रिंटेड कॉपी ऑफ, फटाफट से, प्रिंटेड कॉपी ऑफ कस्टमर्स लेजर मेंटेन्ड बाय बैंक इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट, पासबुक यानी बेटा कस्टमर का कॉपी मेंटेन बाय बैंक, कस्टमर का अकाउंट मेंटेन बाय बैंक, और उसका प्रिंटेड कॉपी यानी क्या बोलते हो आप लोग उसको, पासबुक, और इसके क्या क्या नाम है, बैंक स्टेटमेंट, पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। पासबुक में एंट्री कौन करता है, एंट्रीज इन पासबुक कौन करेगा, बाय बैंक, है ना, बस सिंपल लिख दो, छोड़ दो, चलो आगे, लिखा सभी ने, और बीआरएस क्या है, बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच हेल्प अस, मदद कर रहा है हमें किस चीज में, टू नो द कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। BRS is a statement which helps us to know the causes of difference between the balance as per bank column of
कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। कैशबुक यानी बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक ना, और पासबुक यानी पासबुक, कैशबुक यानी बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक। लिखो। ओहो ये क्या है रे? अच्छा मैम का बर्थडे ऐसे किया था कल, हम भी मैम को विश करेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। आज जो बच्चा करेक्ट जवाब देगा ना उसे हम ये माला पहनाने वाले हैं, देख रहे हो अभी माला की गुत्थी हुई है, हम इसको सुलझाएंगे है ना। करेक्ट बच्चे वाले को ही ये माला मिलने वाली है, सब लोग साथ में रहना। ऑनलाइन वाले बच्चों को माला नहीं दिखेगी क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। सब लोग साथ में, तेरे को सवाल पूछने वाला हो ठीक है, चल बेटा तू जवाब दे, बोल कैशबुक में कौन एंट्री करता है? वेरी गुड, इधर 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 आ, इधर सही जवाब दिया ना इसने, आ इधर चला, आ इधर आ बोला ना, अरे आता क्यों नहीं आ। और तेरे साथ किसी को तू शेयर करवाना चाहता है लड़का कोई अगर है तो? ये लो, ये बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बच्चा बोलता है कैशबुक हम हमारे बुक्स में मेंटेन करते हैं, उसमें एंट्री कौन करेगा? हम लोग। तुम चे श्रीफल आनी शॉल देऊन सत्कार करने देता लाते रख दे। मुझे क्या लगा जानबूझ के गलत जवाब देगा, सर माला नहीं पहनना मेरे को। अच्छा तो कैशबुक कौन मेंटेन कर रहा है? हम, हमारे बुक्स में। बैंक गलती से भी कैशबुक में छेड़छाड़ नहीं करती और हम बैंक में जाके पासबुक में एंट्री नहीं कर सकते। आपको लग रहा होगा मजाक बट ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये क्लियर नहीं होने की वजह से बच्चे पासबुक में प्लस माइनस कर दे, मतलब पासबुक के अंदर में एंट्री कर देते हैं, बरोबर है। अच्छा बीआरएस क्या है? बीआरएस एक तुच्छ स्टेटमेंट है जो हमें मदद कर रहा है टू नो द कॉजेस ऑफ डिफरेंस। हमें ये डिफरेंस रिकंसाइल करके नहीं देता है, हमें बस ये डिफरेंसेस के पीछे की वजह बताता है। बीआरएस इटसेल्फ डज नॉट रिकंसाइल द कैशबुक एंड पासबुक। बीआरएस खुद ब खुद होके कैशबुक पासबुक को रिकंसाइल नहीं करता है कभी भी। बीआरएस जस्ट हेल्प अस टू नो द कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक एंड पासबुक। अरे राइट हैंड क्या है? कैशबुक। लेफ्ट हैंड क्या है? पासबुक। लिख लो फिर एक और चीज, राइट हैंड आपका कैशबुक के पूरे टॉपिक में और लेफ्ट हैंड क्या है? पासबुक। ध्यान रखना आप ठीक है, राइट हैंड कैशबुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। हंस लो बेटा, अभी थोड़ी देर बाद सबने डांस नहीं किया ना तो नाम का हरीश मथारिया नहीं। हाँ, राइट हैंड कैशबुक और लेफ्ट हैंड पासबुक, बस इसी से आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा अब है ना। राइट हैंड क्या है? कैशबुक और लेफ्ट हैंड बरोबर है। आ जाओ, ये कौन हिलाएगा? हम लोग हिलाएंगे ना, प्लस माइनस प्लस माइनस, इसमें एंट्री हम करेंगे ना, इसको हम हिलाएंगे बस। इसमें एंट्री कौन करेगा? बैंक। आजा आजा ठीक है, आजा बेटा ध्यान देना ध्यान देना। बट बीआरएस में एंट्री कौन करता है? बीआरएस कौन बनाता है? मेंटेन बाय, बोलो बेटा, अकाउंट होल्डर। बैंक इतनी खाली नहीं बैठी है आपके घर पे आके आपका बीआरएस बना दे बेटे की। सो बीआरएस में एंट्री कौन करता है? आप भूल जाओगे थोड़ी देर बाद, मैं अभी से याद दिला रहा हूं, आप थोड़ी देर बाद भूलोगे, आप बोलोगे अरे सर ये कैसे, तब मैं आपको याद दिलाऊंगा। बीआरएस कौन बना रहा है? हम। बैंक खाली बैठी है जो आपके घर पे आके बीआरएस बनाएगी? नो। बीआरएस क्यों बनाते हैं? रियल लाइफ में रेयरली ऐसा होता है कि आपका कैशबुक और आपका पासबुक दोनों टैली है, रेयरली ऐसा होता है। मैक्सिमम टाइम इन दोनों में क्या होते हैं? डिफरेंसेस, या तो ऐसे या तो ऐसे। इसके अलावा कोई तीसरी चीज है? या तो ऐसे कैशबुक ऊपर पासबुक नीचे, या तो ऐसे पासबुक ऊपर कैशबुक नीचे, इसके अलावा कोई तीसरी चीज है क्या? तो इन डिफरेंसेस के पीछे की वजह जानने में हमें कौन मदद कर रहा है? बीआरएस। सो बीआरएस कौन बना रहा है? हम। बीआरएस में जो भी प्लस माइनस करेगा वो कौन करेगा? हम, बरोबर। बीआरएस बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट है? नो, बीआरएस इज नॉट अ पार्ट ऑफ, नॉट अ पार्ट ऑफ
बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, लिख दिया सभी ने? आ जाओ, ध्यान देना अच्छे से अब सब लोग, बिल्कुल मिस मत करना, काम की चीज है। आ जाओ, लिख लिया ना सभी ने? सुनो, ध्यान देना, ठीक है। राइट हैंड क्या है? कैश बुक। लेफ्ट हैंड पासबुक। चलो आगे, बहुत इजी टॉपिक है, 6 नंबर आज लेके जाओगे आप यहां से, ध्यान दे दो। सो आ जाओ, ध्यान दे दो। ए मुन्ना लिखो एग्जाम्पल, ये कैश बुक और ये पासबुक। मुन्ना प्लीज ध्यान दे दे, बोलो एग्जाम्पल बोलो। आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, बोलो आपके बुक्स में क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, 1000 रुपए आपने डिपॉजिट किया, बराबर है क्या? बैंक वालों की बुक में। अच्छा, आपने डिपॉजिट किया यानी आपके हिसाब से बैंक वालों से लेना बढ़ गया, बैंक आपकी डेटर बन गई, यानी आपके बैंक में 1000 रुपए है, यानी प्लस बैलेंस है बैंक में, निगेटिव है कि प्लस है, यानी फेवरेबल है। यानी कैश बुक अगर बढ़ रही है तो आप क्या कर रहे हो? डेबिट। कैश बुक कम हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो? क्रेडिट। कैश बुक बढ़ता है तो आप क्या करते हो? डेबिट। यस और नो? बैंक वालों ने पैसे रिसीव कर लिए आपके, बोलो बैंक की एंट्री पास करेगी। अब आप बैंक को, बैंक के पास पैसे आ गए, बैंक बोलेगी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। सो पार्टी के क्रेडिट में बाय कैश। आपने पार्टी, पार्टी अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर लिख दो कैसे? अकाउंट होल्डर। जब आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए तो बैंक वालों ने किधर लिखा रहे बेटा, बताओ तो? आप ही बोल रहे हो, कहां लिखा आपने? बैंक वालों ने, मतलब ये कौन सा कॉलम है? बैंक अगर बढ़ती है तो क्रेडिट, पासबुक कम होता है तो डेबिट। सही बोला ना मैंने? ये समझा ना सभी को? आपने बोला ना बैंक वालों के पास कैश आ गई तो बैंक बोली कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी, यानी आपका एटीएम बैलेंस, यानी बैंक स्टेटमेंट, यानी एक्चुअल बैंक बैलेंस, यानी पासबुक, यानी एटीएम बैलेंस, यानी बैंक स्टेटमेंट, यानी एक्चुअल बैंक बैलेंस, यानी पासबुक बढ़ रहा है तो क्या हुआ? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब ये कौन सा कॉलम है? डिपॉजिट किया ना आपने, तो ये हो गया आपका डिपॉजिट कॉलम, और ये विड्रॉ करते तो क्या होता है? कम। ये हो गया आपका विड्रॉ कॉलम। सही बोल रहा हूं ना? पक्का? किसी को कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई शंका? सिंपल है, प्लीज ध्यान देना। आपको पता भी नहीं, आप धीरे धीरे गहराई में उतरते जा रहे हो। किसी ने अगर ऑक्सीजन मास्क नहीं पहना होगा तो नीचे तड़फड़ेगा वो, अभी पहन ले। डाउट है तो फिर से अपना मुंडी ऊपर कर, डाउट पूछ, सांस ले और नीचे चल हमारे साथ। प्लीज ध्यान देना, एक मिनट के लिए भी ध्यान मत भटकने देना। टॉपिक समझ में आए तो बहुत इजी है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल जाती है इस टॉपिक में। ध्यान देना, ये लिख दिया मैंने। हाँ, उसके बाद मैंने माल बेचा, मुझे चेक रिसीव हुआ, बोल रहे एंट्री क्या रहेगी? बैंक टू सेल, इधर उधर मत ध्यान दो। बैंक टू सेल, 600 का चेक था, बराबर है क्या? बोलो बैंक में इसका एंट्री आया क्या अभी तक? नो। प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान दे दो बेटा। हमारे हिसाब से बैलेंस कितना आया? 1600। ये बैलेंस का नाम क्या है? क्योंकि डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी इसीलिए इसका नाम डेबिट बैलेंस। बैंक वालों के हिसाब से यानी एटीएम बैलेंस, यानी पासबुक बैलेंस, यानी बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, यानी पासबुक, यानी एटीएम, यानी बैंक स्टेटमेंट, यानी एक्चुअल बैंक बैलेंस कितना है? कौन सा बैलेंस है? सो आपके एटीएम में कितने पैसे है? 1000। आपके पासबुक में कितने है? 1000। आपके बैंक स्टेटमेंट में कितने है? 1000। आपका एक्चुअल बैलेंस कितना है? 1000। यस और नो? शाम तेरे कितने नाम? पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, एटीएम बैलेंस, एक्चुअल बैंक बैलेंस, यस और नो? बैंक में पैसे पड़े मतलब ये प्लस बैलेंस है? आपके हिसाब से बैंक वालों से पैसा लेना है मतलब बैंक आपकी डेटर है, आपके हिसाब से प्लस बैलेंस है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कैश बुक के केस में डेबिट बैलेंस यानी प्लस बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस?
सर पासबुक के हिसाब से मत सोचो, उल्टा उल्टा उल्टा। कैशबुक में डेबिट बैलेंस फेवरेबल है यानी प्लस है, उल्टा। पासबुक में कौन सा रहेगा चेक कर लो, ये अलग से प्रूव करने की जरूरत है। अब एक ब्रीद वाक्य आपके दिमाग में फिट कर दो, बोलो सब लोग मेरे साथ साथ। कैश बुक में डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस, ये मैंने साबित करके बता दिया, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। कैश बुक में डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल, कैश बुक डेबिट हो रहा है ना बढ़ रहा है, कैश बुक क्रेडिट हो रहा है ना कम हो रहा है, कैश बुक बैंक बैलेंस असेट, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो, सेम लॉजिक है। सो कैश बुक में डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल, उल्टा। पासबुक में क्रेडिट बैलेंस यानी फेवरेबल, कैश बुक में डेबिट फेवरेबल है तो क्रेडिट अनफेवरेबल यानी ओडी, ओडी ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक में पैसा नहीं है उल्टा बैंक वालों को देना है। सो कैश बुक में क्रेडिट अनफेवरेबल है, उल्टा पासबुक में डेबिट अनफेवरेबल है। सर ये जो आपने बोला ये साइड में लिखवा देंगे क्या थोड़ा सा? हाँ, कैश बुक के केस में डेबिट बैलेंस यानी कौन सा है? फेवरेबल बैलेंस। अब बाकी सब उल्टा उल्टा उल्टा, सिर्फ ये याद रखना। क्या ये बाकी सब उल्टा है? बताओ, कैश बुक में डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल है, उल्टा। कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस यानी अनफेवरेबल यानी माइनस, उल्टा। कैश बुक में डेबिट बैलेंस फेवरेबल है तो पासबुक में डेबिट बैलेंस यानी अनफेवरेबल, कैश बुक में क्रेडिट अनफेवरेबल है तो पासबुक में क्रेडिट फेवरेबल। ये देखो ये उल्टा उल्टा उल्टा, सिर्फ ये ग्रीन कलर से जो हमने लिखा वही याद रखना है, सिर्फ ग्रीन कलर वाला याद रखना है, ये वाला आप जो देख रहे हो ग्रीन कलर, बाकी उल्टा ही ना। पासबुक के चक्कर में फंदे में मत पड़ना। सर उल्टा क्यों होता है पासबुक? किसी मन में सवाल आ रहा होगा ना। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करते हैं, बैंक उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, और बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू हमसे उल्टा रहेगा, बरोबर ना? जो मुझे 9 दिख रहा है बैंक को 6 दिखेगा, फालतू बात कुछ भी बोलते रहते सर। आ जाओ, बैंक उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करते हैं, हम हमारे, ये याद रहेगा सभी को। सिर्फ याद क्या रखना है, ये यही एक चीज है, बाकी बाकी तो और कुछ है नहीं। ये देखो तो सिर्फ ये देख, इतना एक याद रखना है, दिख रहा है क्या? बाकी सब उल्टा उल्टा उल्टा, क्लियर? पक्का? चलो आगे। चलो मैं अब सवाल पूछता हूँ आप लोगों को, है ना, मैं बीच में पूछता हूँ, चलते भी लेक्चर के बीच में पूछ लूंगा अचानक से, बोल किसका कौन सा बैलेंस है। आ जाओ, ये मिटा दूँ, ये लिख लिया सभी ने? अब मैं सवाल पूछूंगा आपको, हाँ अभी तो मिटा देता हूँ, ठीक है, ये लिख लिया सभी ने। आ जाओ मुन्ना, अब देख तो जरा, ध्यान दे रहे। अब क्या तकलीफ हो गई है यहाँ पे? कैश बुक पासबुक दोनों भी टैली नहीं है, ये दोनों टैली नहीं है, देयर फोर हम लोगों को इसमें जो डिफरेंस है ना, ये हम बोल रहे हैं हे बैंक सुन, तुझसे 1600 लेना है, बैंक बोल रही है भाग यहां से, तुझे सिर्फ 1000 ही देना है, तू मेरा क्रेडिटर है 1000 रुपए से, और हम बोल रहे हैं कितना लेना है? 1600 लेना है। बैंक का डेबिट बैलेंस है, किसी पार्टी या पर्सन का डेबिट बैलेंस है, मतलब उस पार्टी या पर्सन से हमें पैसा लेना है। सो हमारे हिसाब से बैंक में कितना पैसा पड़ा होना चाहिए? 1600। बैंक वालों के हिसाब से कितना पैसा है? लेकिन 1000। एटीएम में कितना दिख रहा है? 1000। पासबुक में कितना है? 1000। बैंक स्टेटमेंट में कितना है? 1000। एक्चुअल बैंक बैलेंस 1000, और हमारे हिसाब से कितना है? 1600। हमारे हिसाब यानी कैश बुक। सो कैश बुक कितना है? 1600। पासबुक कितना है? 1000। डिफरेंस कितना है? 600। अब इस डिफरेंसेस के पीछे की वजह कौन बताएगा? बीआरएस। कैसे बताएगा? ऐसे, ध्यान देना। अब जैसे प्लीज ध्यान देना, मैंने बीआरएस ये टॉपिक स्टार्ट किया, आप लोगों को बता दिया कैश बुक पासबुक में डिफरेंसेस है। अब तकलीफ क्या होती है प्लीज ध्यान देना, अकाउंटेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं अगर कैश बुक पासबुक टैली नहीं है तो। समझ लो मैं अकाउंटेंट हूं इस ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें डिफरेंस है, मेरा बॉस आया मुझे बहुत गालियां मारा, बोला अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से बैंक में दिखने चाहिए 1600। मैंने बोला हाँ, कैश बुक यानी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट, सुनना जरा, मैं एक ही चीज बार बार बोल रहा हूं, मतलब इंपॉर्टेंट है।
कैशबुक यानी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट कितने दिखने चाहिए बैंक में, 1600। लेकिन बॉस जब बैंक में जाकर के एटीएम मशीन में जाकर के चेक करके आया तो उसको कितना दिख रहा है, 1000। वो आया मुझे गाली मारना शुरू कर दिया डायरेक्टली, बोला 600 रुपये तू खा गया। मैं बोला नहीं सर मैंने नहीं खाए। बोले बैंक वालों के हिसाब से दिख रहा है 1000 रुपए, तेरे हिसाब से दिख रहा है 1600, 600 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब सर आप बैठो, सर के लिए ठंडा लो, मैं सर आपको डिफरेंस रिकनसाइल करके देता हूँ। उसने बोला कैसे? मैंने बोला सर मेरे पास एक टूल है, उस टूल का नाम है BRS, उसकी मदद से मैं ये डिफरेंसेस के पीछे की वजह आपको बता सकता हूँ। उसने बोला बता। मैंने बोला सर बोलो आपको किसके ऊपर भरोसा है? उसने बोला तेरे ऊपर तो एक रत्ती का भरोसा नहीं है, थू तू मुझे बैंक वालों के हिसाब से बता टैली करके। क्या बोला बॉस ने? बैंक वालों के हिसाब से। मैंने बोला मतलब तुमको बैंक के बैलेंस पे भरोसा है, मतलब मुझे बैंक बैलेंस पे पहुंचना है। उसने बोला हाँ, शुरुआत कहां से कर रहा हूं मैं? कैशबुक से। पहुंचूंगा कहां? पासबुक। ये क्या है आपका? स्टार्टिंग पॉइंट। और ये क्या है? फाइनल और डेस्टिनेशन, यहां पहुंचना है। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक क्वेश्चन में दिया रहेगा कि क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, या तो यह दिया रहेगा या तो कहां पहुंचना है यह दिया रहेगा। अगर पहुंचना है पासबुक पे तो स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक, पहुंचना है कैशबुक पे तो स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक। कॉमन सेंस है ना? BRS में जिंदगी में तो दो ही चीजें है, कैशबुक पासबुक। यहां पहुंचना है तो यह स्टार्टिंग पॉइंट, यहां पहुंचना है तो यह स्टार्टिंग पॉइंट, सिंपल। तो उसने बोला सर मुझे बैंक पे भरोसा है, तो बैंक के हिसाब से टैली करके बोला ओके सर, मतलब आपको पासबुक पे पहुंचना है। यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? कैशबुक। ये लो सर, ये मैंने लिख लिया, ये लो, ये बैलेंस एज पर कैशबुक स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये कितना था? 1600। किसी को कोई तकलीफ? अब उसके बाद क्या हुआ, जब भी मैं BRS बनाता हूं तो मैं मेरे पास में बैंक पासबुक का वो प्रिंटेड कॉपी या बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट आउट निकाल के मेरे पास रखता हूं। और मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो टैली के अंदर में बैंक अकाउंट है, कैशबुक जो है उसका बैंक कॉलम का भी मैं प्रिंट आउट निकाल के रखता हूं। दोनों मैंने प्रिंट आउट निकाल के रख लिए, कैशबुक का भी और पासबुक का भी। और अब मैं एक एक आइटम चेक कर रहा हूं, और मुझे उसके अंदर में दिखा, मुझे क्या दिखा? माल बेचा, चेक रिसीव हुआ, लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। सर रियल लाइफ एग्जाम के अंदर में भी हम लोगों को ऐसा दिखना पड़ेगा क्या? नो, एग्जाम में आपको डायरेक्ट दिया रहेगा। सर कैसे? चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैशबुक बट नॉट क्लियर्ड। फिर से बोलो बोलो बोलो, चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैशबुक बट नॉट क्लियर्ड। बोलो वन मोर टाइम, बहुत प्यारा लग रहा था, आपकी आवाज बहुत मीठी है। चेक रिसीव्ड बट नॉट क्लियर्ड, यस और नो? चेक तो मिल गया बट वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अच्छा चलो अच्छे से ध्यान देना, अब BRS टॉपिक की मैं बताने जा रहा हूं। BRS टॉपिक के अंदर में ये राइट हैंड कैशबुक है, लेफ्ट हैंड पासबुक है ना। फर्स्ट स्टेप ऐसा समझना, कैशबुक पासबुक इक्वल लेवल पे करो, ऐसे करो है ना, ऐसे रखना हाथ। सब लोग जो बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहा है, हाथ मंदी से करना। सेकेंड स्टेप, रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द, घर जाओ, नहीं ना रे, गो टू द न्यू पोजिशन। किसकी न्यू पोजिशन? ऑफ कैशबुक एंड पासबुक। और थर्ड स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। मुन्ना ध्यान देना, आ जा मुन्ना, प्लीज ध्यान दे दो। फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकेंड स्टेप प्लीज ध्यान दे बेटा, रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजिशन ऑफ कैशबुक एंड पासबुक। अब प्लीज ध्यान देना, फर्स्ट स्टेप इक्वल है, सेकेंड स्टेप इंफॉर्मेशन रीड करना। इंफॉर्मेशन क्या रहती है? क्वेश्चन में आपको जो दिया रहेगा ना, चेक रिसीव्ड बट नॉट क्लियर्ड। सो चेक रिसीव्ड यानी हमने हमारे कैशबुक में एंट्री कर दी होगी, कैशबुक बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया 600 से, राइट हैंड बढ़ गया 600 से, बराबर है क्या? ऊपर कर लिया ना, बोलो क्लियर हुआ है क्या? वो नॉट क्लियर्ड, नॉट क्लियर्ड। बोलो पासबुक बढ़ेगा क्या? चेक क्लियर ही नहीं हुआ। अगर क्लियर हो जाता था तो पासबुक बढ़ जाता था, लेकिन क्लियर हुआ नो, इसलिए नीचे रहेगा। यस,
खेल खत्म, बीआरएस टॉपिक खत्म हो गया, आ गया न्यू पोजीशन, टॉपिक खत्म, आ गया ना न्यू पोजीशन, कैशबुक ऊपर, पासबुक नीचे, सेकंड स्टेप खत्म हो गई क्या? थर्ड स्टेप क्या लिखिए पढ़ो, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे, ढूंढो क्वेश्चन में ढूंढो, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पहुंचना कहा है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पहुंचना कहा है, जहां पहुंचना है इसको फिक्स करो, हाँ? अभी हिलेगा नहीं साला, अभी हिलेगा क्या, मुझे यहां से बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे मेरे पास आएगा या मुझे बॉम्बे जाना पड़ेगा, मुझे बॉम्बे जाना पड़ेगा, बॉम्बे आएगा क्या मेरे पास, जहां पहुंचना है वो फिक्स है, अभी हिलेगा नहीं, अब रिकनसाइल करना है, हिलेगा नहीं तो इसी को झकमार के नीचे आना है, नीचे आना है तो क्या करेंगे, ये माइनस 600 का चेक था ना, पॉइंट क्या था, चेक रिसीव्ड बट नॉट येट क्लियर्ड, बस एक ही आइटम था, चेक करो इतना ही है क्या पासबुक का बैलेंस, कुछ था इसमें, एक चीज प्राउड के साथ अनाउंस करना चाहूंगा, है ना, ये चीज अनाउंस करना जरूरी है, ये जो टेक्निक है प्लस माइनस की, ये तुम्हारे भाई ने इजाद की है, काफी लोगों ने भारत के अंदर में, काफी लोगों ने भारत के अंदर में क्लेम किया है कि ये मेरी टेक्निक है, दो लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो मैंने उन दोनों को जवाब भी दिया था, मतलब हाँ ये टेक्निक आपने लाई है 2018 में, लेकिन मेरा 2016 या 17 में ऑलरेडी यूट्यूब पे इसका वीडियो डाला हुआ है, हो सकता है मैंने यूट्यूब को जाके मैनेज कर लिया होगा अमेरिका में, है ना, ऐसी है ना, तो नहीं है ये टेक्निक कहीं कोई किताबों में नहीं दिखेगी, सबसे पहले भाई ने लिखा है, हर टॉपिक के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक्स अपन ने रिसर्च करके रखी है, इसलिए मैंने बोला था कि आपने अब तक जो पढ़ा वो थोड़ा सा साइड में रखना और जो भी मैं बताऊं उसको दिल दिमाग डीएनए में उतार देना, यस और नो, सिंपल है, तीन स्टेप क्या थी बेटा, पहली स्टेप कैशबुक पासबुक इक्वल लेवल, सेकंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड गो टू द न्यू पोजीशन एंड थर्ड स्टेप एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट्स इट, गेम ओवर। हाँ, इसमें दो रूल भी है, बताऊंगा मैं दो रूल कौन से, पहले ये लिख लो, पहले लिख लो बेटा फटाफट से, ये स्टेप्स है, स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप कैशबुक पासबुक इक्वल लेवल, सेकंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन एंड थर्ड स्टेप एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। फर्स्ट स्टेप क्या था, कैशबुक पासबुक इक्वल लेवल, सेकंड स्टेप इंफॉर्मेशन पढ़ो, इंफॉर्मेशन में लिखा था चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव हुआ तो कैशबुक बढ़ेगा, चेक इशू किया तो कैशबुक कम होगा, यहां रिसीव्ड है या इशू है, रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड कैशबुक बढ़ गया, बट अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ इसलिए पासबुक यही खड़ा है, एटीएम बैलेंस यही खड़ा है, गेम ओवर, आगे न्यू पोजिशन। अब बोलो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैशबुक, पहुंचना क्या है, पासबुक पे, जहां पहुंचना है इसको फिक्स करो, ये लेस, इसी क्वेश्चन में अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक होता तो, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, सेकंड स्टेप तक सब कुछ सेम है, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट तीसरी स्टेप चेंज होगी, सेकंड स्टेप तो सेम ही रहेगा ना, फर्स्ट स्टेप इक्वल चेक रिसीव बट नॉट क्लियर, आ गया दो स्टेप खत्म हो गए, अब तीसरी स्टेप स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, एड करो, यस और नो, क्लियर, लिख लिया सभी ने, लिखो, कुणाल कांबळे, हरीश मथारिया, MATHARIYA, लिखा बेटे सभी ने, लिखो लिखो ली बाड़ा, हाँ
रफ्तार। नहीं नहीं वो ऐसी, वो एक पॉप सिंगर था ना रफ्तार, उसका नाम याद आ गया। आपको क्या लगा मैं आपको टॉन्ट मार रहा हूं? है आप तो लिखो आराम से, कोई गाय नहीं है। लिखा बेटे सभी ने? डन, आ जाओ आगे बढ़ते। नहीं लिखा? लिखा बोल बेटा, वापस बता देता हूं। चल बताओ बेटा, प्लीज ध्यान देना। फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकेंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। फर्स्ट स्टेप इक्वल, इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन में प्रश्न में लिखा था चेक रिसीव्ड बट नॉट क्लियर्ड, चेक मिला, हमें चेक मिला तो हम कहां पे एंट्री करेंगे, कैश बुक में कि बैंक में घुस के पासबुक में? कैश बुक में। हमें चेक मिला तो हम लोग कैश बुक को बढ़ाएंगे, हमने चेक इशू किया होता तो कैश बुक को कम करते, चेक मिला 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 तो कैश बुक मैंने बढ़ा दिया। बोलो वो चेक क्लियर हुआ क्या? नो। तो पासबुक यही खड़ा रहेगा क्या? हाँ। खेल खत्म, दो स्टेप खत्म हो गई, खत्म हो गए ना सेकेंड स्टेप। अब पहली दोनों स्टेप को भूल जाओ, तीसरी स्टेप क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट को एडजस्ट करना है। अच्छा वो एडजस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट में कर रहे हैं कि बीआरएस में कर रहे हैं? बीआरएस में। और बीआरएस कौन मेंटेन करता है? हम। तो हम बीआरएस में कुछ भी कर सकते हैं ना। चलो आ जाओ। अभी इस बच्चे ने बोला सर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है मतलब पहुंचना कहाँ है? कैश बुक पे। जहां पहुंचना इसको फिक्स करो। कैसे फिक्स? अभी हिलेगा क्या? अब बीआरएस में, कहां पे? बीआरएस में। कहां पे? बीआरएस में। पासबुक को प्लस करना है, कहां पे? बीआरएस में। बच्चे बोलते सर पासबुक आप क्यों प्लस कर रहे हैं, बीआरएस कौन मेंटेन करूंगा? मैं, तो मैं ही करूंगा ना। समझ में आया? सो बीआरएस में मैंने पासबुक को प्लस किया। किस बच्चे को और कोई डाउट? चलो आगे लिखो। आ जाओ, ध्यान देना सब लोग, लिखो। एक एग्जाम्पल लिखना है बेटा सभी ने, है ना। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं। अच्छा बीआरएस टॉपिक पढ़ते समय एक चीज ध्यान रखना, नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, बरोबर है? सब कुछ मैनुअल हो रहा है। कैसे हो रहा है सब कुछ? मैनुअल। क्या ध्यान रखना है आपने? नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग नहीं है। नहीं तो बच्चा बोलेगा सर मुझे मैसेज आ गया रहेगा, मैंने मोबाइल से नेट से देख लिया था उतना बैलेंस है मुझे पता चल गया। नहीं बेटा, बीआरएस टॉपिक पढ़ते समय नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग मैसेज बैंकिंग नहीं है, बरोबर है? ना ही बैंक मैनेजर आपको कॉल करके बोलेगा हाँ बेटा तेरे पापा ने तेरे अकाउंट में 2000 रुपए डाले। नो। मैनेजर का कभी कॉल आता है क्या? नो। सो आपको कब पता चलेगा पासबुक में हुआ कि नहीं हुआ? मंथ एंड में या पीरियड के एंडिंग में जब आप जाओगे और बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करवाओगे तभी आपको पता चलेगा, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। बस ये चीज ध्यान रखना, इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग नहीं है। आ जाओ, अब मैं आपको इस एग्जाम्पल के जरिए एक रूल बताने वाला हूं, वो एक रूल आपको हमेशा के लिए याद रखना है। बीआरएस टॉपिक में तीन स्टेप और दो रूल है, तीन स्टेप मैंने आपको बता दी और अब दो रूल में से पहला रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं। लॉजिकल है, सिंपल है। लिखो लिखो बेटा, बैलेंस एज पर कैश बुक, लिखो 1000। लिखा बेटे सभी ने? बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 1000। दूसरा आइटम, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, कितना है? 200 रुपए। चेक रिसीव हुआ, डिपॉजिट भी कर दिया बट अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ, कितने का है? 200 रुपए। यस और नो? उसके बाद बैंक चार्जेस चार्ज्ड, कौन चार्ज करेगा रे? हम के बैंक, ऑब्वियस बात, कॉमन सेंस, ऐसा आगे लिखने की जरूरत है क्या? चार्ज बाय बैंक, फालतू बात लिख लो आप भी, चार्ज बाय बैंक, वैसे लिखने की जरूरत नहीं बट लिख लो, अगर एग्जाम में सिर्फ इतना आया बैंक चार्जेस चार्ज
तो किसने चार्ज किए होंगे? बैंक ने। आपको अधिकार है कि बैंक चार्जेस चार्ज करने का? कौन चार्ज करेगा? बैंक। पासबुक में कुछ भी करेगा तो अच्छा, बैंक वो बैंक चार्जेस कहाँ लगाएगी? आपके घर में घुस के कैशबुक में लगाएगी या पासबुक में? ऑब्वियस सी बात है, बैंक कुछ भी करेगी तो कहाँ करेगी? पासबुक में। हम कुछ भी करेंगे तो कहाँ करेंगे? कैशबुक में। या फिर हम कुछ भी करेंगे तो कहाँ करेंगे? बीआरएस में। बराबर है? बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, ये थे 50 रुपए। बैंक वालों ने चार्जेस कितने लगाए बेटा? 50 रुपए। ठीक है, आ जाओ, चलो आगे। उसके बाद चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक इशू तो कर दिया लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं किया। $750 बैलेंस एज पर पासबुक ₹1500, बैलेंस एज पर पासबुक ₹1500। डन। प्रिपेयर बीआरएस। लो आंसर लिख रहा हूं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मुझे ध्यान देना, हाँ बीआरएस बना रहा हूं, प्लीज ध्यान दो। हाँ ध्यान देना, ले बेटा बोलो। स्टार्टिंग पॉइंट क्या लूं अभी? पहले ले लेता हूं स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक। लिख दूं क्या फिर? बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया बेटा? 1000। कोई तकलीफ है किसी को? पक्का? चलो आगे, प्लीज ध्यान देना। ठीक है, आ जा बेटा। चलो बना फटाफट से ध्यान देना सभी ने। मैं आपको रूल नंबर 1 बताने जाने वाला हूं इसी एग्जांपल के जरिए। सो बहुत सिंपल सी 3 स्टेप थी। फर्स्ट स्टेप कैशबुक पासबुक इक्वल लेवल, सेकंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन एनालाइज एंड गो टू द न्यू पोजीशन ऑफ कैशबुक एंड पासबुक, एंड थर्ड स्टेप एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। पहले वाला आइटम पढ़ लिया मैंने, बैलेंस एज पर कैशबुक दे दिया था 1000 लिख दिया। अब दूसरा, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। फर्स्ट स्टेप क्या बेटा? कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल। सेकेंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। इंफॉर्मेशन क्या लिखा है बोल बेटा? चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड। चेक रिसीव्ड, चेक मिलता है, हमें चेक मिलता है तो हम लोग कैशबुक बढ़ाते हैं। चेक इशू करते हैं तो कैशबुक कम करते हैं। चेक मिलता है तो कैशबुक बढ़ाते हैं। चेक इशू करते हैं तो कैशबुक कम करते हैं। या मिला कि इशू किया? मिला मिला मिला। चेक रिसीव्ड, बट अभी तक वो क्लियर हुआ है क्या? चेक रिसीव्ड का मतलब होता है चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड। चेक रिसीव्ड इज इक्वल टू चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड। रिसीव्ड और रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड एक ही चीज है। चेक रिसीव हुआ मतलब वो डिपॉजिट ही किया होगा हमने। मुरब्बा बनाने के लिए चेक नहीं लेते, डिपॉजिट करने के लिए लेते हैं। तो चेक रिसीव्ड इज इक्वल टू चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन। अगर कुछ क्वेश्चन में अलग से नहीं दिया तो रिसीव्ड चेक ये डिपॉजिटेड ही चेक है। चेक विल, चेक आप लोग क्यों लेते हो? किसी से चेक लेने के बाद उसको फ्रेम करके दीवार पे टंगाते हो, ऑप्शन ए। मुरब्बा बनाते हो, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, उसको आप लोग ठंडी के दिन में सिक्योरिटी करते हो, ऑप्शन डी डिपॉजिट करते हो। तो दैट मींस चेक रिसीव्ड इज फॉर डिपॉजिटिंग ना। सो चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इज इक्वल टू चेक रिसीव्ड। या फिर चेक रिसीव्ड का मतलब होता है चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड अगर कुछ अलग से नहीं बोला तो। क्लियर सर? अलग से बोला तो देख लेंगे ना, क्वेश्चन आएगा तब। काहे के लिए जिंदा कर रहे हो? डन। सो चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, कैश बुक तो बढ़ गया। बोलो क्लियर हुआ है क्या? नो क्लियर नहीं हुआ। पासबुक बढ़ा क्या? नो।
फर्स्ट स्टेप इक्वल सेकंड स्टेप इन्फॉर्मेशन पढ़ो, रीड द इन्फॉर्मेशन, एनालाइज, गो टू द न्यू पोजीशन, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, कैशबुक बढ़ गया लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, पासबुक यही खड़ा है, आ गया न्यू पोजीशन, ये करो ना सब लोग ऐसे। फर्स्ट स्टेप इक्वल चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, बट अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ इसलिए यही खड़ा है, दैट्स इट, गेम ओवर, बीआरएस का खेल खत्म हो गया। कभी कभी ना कुछ बच्चों के चेहरे पे फिर भी तकलीफ है, सर इतना आसान कैसे हो सकता है बीआरएस, अब है तो है, अब इसकी भी क्या तकलीफ है, मुश्किल रहा तो तकलीफ, बहुत ज्यादा आसान कर दिया तो तकलीफ। चलो फर्स्ट स्टेप इक्वल चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, बट अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ, कहां लिखा है क्वेश्चन में, बोलो बेटा खेल कदम, बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अब थर्ड स्टेप के समय पहली दोनों स्टेप को भूल जाना, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, कैश बुक, पहुंचना कहां है, जहां पहुंचना इसको फिक्स करो, अब ये हिलेगा क्या, नीचे लाना है तो माइनस कर दू क्या, सो दूसरे नंबर वाला सेंटेंस एज इट इज लिख करके 200 क्या करना है, माइनस, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, किसी कोई तकलीफ है, सिंपल है, प्लीज घर जाके हाथ जोड़ के विनती है सेम चीज वापस प्रैक्टिस करना, नहीं तो आप कल परसों बोलोगे सर वो बीआरएस में ना बहुत तकलीफ आती, इसलिए मैं पहले एडवांस में बता रहा हूं, कैसे एडवांस में, के आज घर जाके सेम चीज 15 मिनट है ना मेरे लिए, आपके भविष्य के लिए, सब्जेक्ट के लिए, तो 15 मिनट इसकी प्रैक्टिस करना, 15 मिनट माल प्रैक्टिस मत करना, 15 मिनट सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करना, ठीक है, चलो आगे। उसके बाद नेक्स्ट, फिर से आगे, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, अगेन फर्स्ट स्टेप इक्वल सेकंड स्टेप, रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज एंड गो टू द न्यू पोजीशन ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक। बोलो बेटा इंफॉर्मेशन में क्या लिखा था, बैंक चार्जेस, फर्स्ट स्टेप इक्वल है, बोलो बैंक चार्जेस है, कौन लगा था बैंक चार्जेस, बैंक, कहां लगाती है, कैशबुक में या पासबुक में, पासबुक में लगाएगी ना, नहीं नहीं हमारे घर में घुस के कैशबुक में लगाती है, नोट, बैंक चार्जेस कहां लगते हैं, कौन लगाता है, बैंक, और बैंक कुछ भी करेगी तो कहां करेगी, पासबुक। बैंक चार्जेस की वजह से बैंक आपका एटीएम बैलेंस यानी लेफ्ट हैंड यानी पासबुक यानी एटीएम बैलेंस यानी लेफ्ट हैंड यानी पासबुक चार्जेस की वजह से बढ़ाती है कम करती है, वेरी गुड, होशियार बच्चे, कम, बराबर है, सही है ना, बैंक ने चार्जेस लगाए तो आपका एटीएम बैलेंस यानी लेफ्ट हैंड यानी पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट यानी एटीएम यानी लेफ्ट हैंड यानी पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट यानी एटीएम यानी लेफ्ट हैंड यानी पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट, शाम तेरे कितने नाम, सब इसी के नाम है, ये कम होगा ना, कि कोई ऐसा है जिसने बोला सर बैंक चार्जेस लग गए मेरा बैलेंस बढ़ रहा है, फिर तो हम रोज बैंक को बोलेंगे बैंक चार्जेस लगा ना, यस और नो, बैंक चार्जेस की वजह से पासबुक क्या होता है, कम यानी लेफ्ट हैंड कम। अब लिखो रूल नंबर वन, रूल नंबर वन क्या है मालूम है, जब कभी भी, पहले सुन लो बाद में लिख लेना, जब कभी भी बैंक पासबुक में डायरेक्टली कोई एंट्री करेगी, जब कभी भी बैंक पासबुक में डायरेक्टली कोई एंट्री करेगी, जैसे बैंक चार्जेस बोलो या और कोई एंट्री बोलो, तो अगर कुछ क्वेश्चन में अलग से नहीं दिया है, बरोबर ना, अगर कुछ क्वेश्चन में अलग से नहीं दिया है तो समझ जाओ उसका इंपैक्ट कैशबुक में पेंडिंग है। सर क्यों ऐसा, क्योंकि बैंक वालों ने चार्जेस लगाए, आपको बैंक मैनेजर से फोन आया, साहब हम आपको चार्जेस लगा रहे हैं, नहीं आया फोन, एटीएम बैलेंस अपना नेट बैंकिंग है, मैसेज बैंकिंग है, तो आपको पता चला अभी तक, जब आपको ही पता नहीं चला तो कैशबुक में एंट्री कौन आपका भूत रिकॉर्ड करेगा, जब आपको पता ही नहीं है तो कैशबुक में एंट्री आएगी क्या, क्लियर है ये बात समझ में आई। सो रूल नंबर वन, एनी डायरेक्ट एंट्री इन द पासबुक, इफेक्ट ऑफ सच एंट्री विल बी पेंडिंग इन द कैशबुक, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक उसका इफेक्ट कैशबुक में पेंडिंग है, लॉजिक को गोली मारो, रूल याद रहेगा, पक्की बात। सो रूल लिख दूं साइड में, सो रूल नंबर वन, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, समझ जाओ उसका इफेक्ट इन कैशबुक इज पेंडिंग, ऐसा स्टार्टिंग में लिख देना, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि कैशबुक में भी इफेक्ट हो गया और पासबुक में भी हो गया तो सोचना कैशबुक में हो गया, नहीं तो हम लोग क्या समझेंगे, कैशबुक में पेंडिंग है, क्लियर। देखो तीन स्टेप और दो रूल में पूरा टॉपिक खत्म था, उसमें से तीन स्टेप और एक रूल तो आपका हो भी गया या 90% टॉपिक हो गया, समझो कुछ था गया, सर आप कुछ तो छुपा रहे हो, करके देख लेंगे प्रैक्टिस, परसों से आप खुले सांड हो, ब्रह्मांड की कोई भी किताब लाओ बीआरएस की,
कोई भी ऑथर, कोई भी पब्लिकेशन, कोई भी कोर्स, कोई भी इंस्टीट्यूट, कहीं का भी बुक सॉल्व करके देख लेना, यही सेम रूल से आंसर निकालना, उनकी स्टेप्स मत देखना, अपने रूल से आंसर निकालना है। चल आ जाओ। सो तीन स्टेप मैंने बता दी, और रूल नंबर वन क्या था, जब कभी भी बैंक कोई डायरेक्ट एंट्री करेगी पासबुक के अंदर में, समझ जाओ उसका इफेक्ट कैशबुक में पेंडिंग है। ये सुनो, फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकेंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजिशन। इंफॉर्मेशन में लिखा था बैंक वालों ने चार्जेस लगाए, तो बैंक वाले कहां करेंगे, लेफ्ट हैंड में। बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए तो पासबुक कम हो जाएगा। रूल नंबर वन, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्ट इन कैशबुक इज पेंडिंग, इसलिए यही खड़ा है, खत्म। बीआरएस का खेल खत्म, सेकेंड स्टेप खत्म हो गई ना, खेल गेम ओवर, गेम ओवर। बोलो थर्ड स्टेप क्या है, बोल मुन्ना तुम ऐसे क्यों नहीं हो रहे हो, सब लोगों ने ऐसे करना है। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक पहुंचना का है, जहां पहुंचना इसको फिक्स करो। अब ये हिलेगा क्या, स्टार्टिंग पॉइंट को एडजस्ट करना है, हर बार किसको हिलाना है, स्टार्टिंग पॉइंट को, हर बार किसको एडजस्ट करना है, स्टार्टिंग। सो स्टार्टिंग पॉइंट यहां देखो, फर्स्ट स्टेप इक्वल, बैंक वालों ने चार्ज लगा दिया, डायरेक्ट इंडियन पासबुक बिटवीन कैशबुक पे निगाह के न्यू पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक, यहां पहुंचना है फिक्स करो, लेस करो। तीसरा पॉइंट भी लेस, फोर्थ पॉइंट, पूरा प्लीज ध्यान देना सब लोग। आगे क्या लिखा बेटा, पढ़ना तो, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक इशू तो कर दिया बट अभी तक वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। जिस गधे को मैंने चेक दिया था उसने बैंक में ले आके डिपॉजिट करने का ना, सर वो गधा कौन था, फॉर एग्जाम्पल मैंने एम्प्लॉय को मैंने 50,000 रुपए का चेक दिया, उसको सैलरी है 50,000 पर मंथ, मैंने आज 1 तारीख है उसको बुलाया और चेक दे दिया साइन करके 50,000 का, और वो चेक उसके जेब में ही है अभी तक, उसने डिपॉजिट ही नहीं किया, बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, उसने उसके खाते में, उसने उसके अकाउंट में, उसने बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। तो बोलो मेरा एटीएम बैलेंस कभी कम होगा क्या, मैंने जिसको चेक दे दिया उसने मस्त पे की जेब में रख के जेब सील दिया, अब बोलो वो चेक जब तक डिपॉजिट नहीं होगा तब तक क्लियर होगा क्या, नो। सो फर्स्ट स्टेप इक्वल, चेक इशूड, चेक इशू किया तो कैशबुक बढ़ेगा या कम होगा, चेक मिला तो कैशबुक बढ़ता है, चेक इशू किया तो कैशबुक कम होता है। सो चेक इशूड बट अभी तक वो चेक जिस गधे को मैंने दिया उसने अभी तक बैंक में प्रेजेंट किया क्या, नो। तो बोला मेरा एटीएम बैलेंस कम होगा क्या, मेरा पासबुक बैलेंस कम होगा क्या, मेरा लेफ्ट हैंड नीचे आएगा क्या, ये रहेगा, गेम ओवर, खत्म खत्म। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या, थर्ड स्टेप स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक या कैशबुक, स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक, पहुंचना है पासबुक पे, जहां पहुंचना है इसको फिक्स करो, अभी हिलेगा क्या, प्लस कर दो, यकीन नहीं आता है तो चेक कर लो आपका जो बैलेंस है वो दिख रहा है क्या आपको, आपका जो बैलेंस है वो दिख रहा है क्या आपको, 1500 रुपए, चेक कर लो पासबुक बैलेंस आ गया क्या 1500, कुछ थारे भी आर इसमें, सिंपल है कि नहीं, ईमानदारी से बता दो, सिंपल में डिंपल है सर एकदम, लिखो सेम बीआरएस नाउ स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, ले बेटा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बैलेंस एज पर पासबुक, कितना है बेटा पासबुक का बैलेंस, 1500, और पहुंचना का है कैशबुक पे। बोलो सेकेंड वाला पॉइंट, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, सेकेंड स्टेप तक तो सब कुछ सेम है, कैश स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो, फर्स्ट स्टेप इक्वल। बोलो बेटा सेकेंड वाला पॉइंट क्या था, एडजस्टमेंट, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, कैशबुक तो बढ़ गया लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, पासबुक यही खड़ा है बेचारा, गेम ओवर। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट इस बार पासबुक, पहुंचना है कैशबुक पे, इसको फिक्स करो और ये पासबुक को ऊपर करो। अच्छा ये पासबुक को जो मैं ऊपर कर रहा हूं बैंक में घुस के पासबुक में कर रहा हूं या बीआरएस में कर रहा हूं, बीआरएस में। डन टडन। तीसरा, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, फर्स्ट स्टेप इक्वल कैशबुक इक्वल है बेटा, सेकंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए पासबुक कम हो गया। रूल नंबर वन, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्ट इन कैशबुक इज पेंडिंग, आ गया न्यू पोजीशन, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए इसका इफेक्ट अभी तक कैशबुक में पेंडिंग है, न्यू पोजीशन आ गया, खेल खत्म। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इस बार, पासबुक, पहुंचना का है कैश,
जहां पहुंचना ये पिक्स, अब ये ऐड कर दो और चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, फर्स्ट स्टेप इक्वल चेक इशूड, कैशबुक कम हो गया, चेक मिलता है तो कैशबुक बढ़ता है, इशू गया तो कैशबुक कम ना, चेक इशूड बट जिस गधे को चेक दिया उसने अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, बोलो मेरा एटीएम बैलेंस कम होगा क्या, पासबुक कम होगा क्या, नो प्रेजेंट ही नहीं किया, खेल खत्म, बीआरएस टॉपिक बाय बाय। बोलो थर्ड स्टेप क्या थी, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या इस बार पासबुक, पहुंचना है जहां पहुंचना है इसको फिक्स करो, अब ये नीचे आएगा, चेक कर लो कैशबुक का बैलेंस आ रहा है क्या आपका, 1000 रुपए कुछ था क्या रे, फुद्दू, कैसा टॉपिक है, फुद्दू टॉपिक है, 6 नंबर आपको लॉलीपॉप है, ये क्या है बेटा लॉलीपॉप, 6 नंबर का क्या है आपको ये लॉलीपॉप। चलो थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।